वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। तो आज हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में आए हुए रिक्रूटमेंट में सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आवर इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का है, तो उससे रिलेटेड हम जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो रिक्रूटमेंट की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं वैकेंसी 2023 प्लेलिस्ट में। अब इसमें इम्पोर्टेंट कुछ है पॉइंट, जैसे कि एडमिट कार्ड जो है वो एम्स पटना की वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना है, वहीं से ही जनरेट होंगे। बाय पोस्ट कोई भी जो है एडमिट कार्ड वो नहीं बेचा जाएगा, और जो भी एग्ज़ाम है वो CBT के माध्यम से होगा। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। सिटी ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन है वो ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट चॉइस के आधार पे और कंप्यूटर नोड्स के आधार पर फाइनल होगा। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी हैं, 1 मार्क्स अगर आपको ठीक है तो उसके 1 मार्क्स हैं, और गलत मार्क्स पे 0.25 का डिडक्शन है, यानी कि 4 अगर आपके क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा सही में से। तो अब देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये एग्ज़ाम होगा। अब हम देखते हैं सिलेबस फॉर टेक्नीशियन से रिलेटेड। सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ डार्क रूम असिस्टेंट, यानी कि DRA। इसमें बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड जो जनरल टॉपिक होते हैं वो आएंगे, सभी जनरल अवेयरनेस से 5 क्वेश्चन आएंगे कि जो भी कैंडिडेट है उसको एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए जो करंट सिनेरियो में चल रही हैं। उसमें किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, उसकी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, कोई भी करंट जो अफेयर है बेसिकली वो इसमें आएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा इसमें, यानी कि मैथमेटिक्स और क्वांट बेसिकली, और इंग्लिश सब्जेक्ट में नॉर्मल जो इंग्लिश की जो समझ रखते हैं उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जनरली पूछे जाते हैं अदर एग्ज़ाम में भी। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो बेसिक जो सेल और मस्कुलेटर स्केलेटन सिस्टम है वो पूछा जाएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये मैंने ब्लड आर्टरीज और वेंस के बारे में डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम ये भी डिस्कस किया है, बाकी जो अदर सिस्टम है वो आप देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, नर्वस सिस्टम, आई, ईयर, नोज, और सरफेस एनाटॉमी और क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी भी पूछी जा सकती है। जितने भी यानी कि सिस्टम है वो सब आएंगे। और डार्क रूम टेक्निक की बात करें तो फोटोग्राफिक प्रोसेस, लाइट इमेज, लेटेंट इमेज, फिल्म कैसे है, और एक्सरे फिल्म स्टोरेज, एनएक्सपोज और फ्लोरोसेंट मटीरियल, इंटेंसिफाई स्क्रीन क्या है, उसके इफेक्ट क्या हैं, सेफ लाइट क्या है, डार्क रूम से रिलेटेड जो भी हैं, ड्राइंग प्रोसेसिंग, रिंसर, फिक्सर, ये सब आएंगे। रेडियोग्राफिक इमेज से रिलेटेड भी आएंगे। जनरल फिजिक्स में जो आपका बेसिक फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक आई हैव कवर्ड इन दी दैट प्लेलिस्ट। तो इसमें नॉर्मल से जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ओम्स लॉ, ये सब डिस्कस किए हुए हैं। तो आप बेसिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रेडियोग्राफिक टेक्निक में हमारे सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड एक्सरेज क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर इसका जो ये PDF है वो मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रेडियोग्राफिक प्रोसीजर में कंट्रास्ट मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और बाकी जितने भी प्रोसीजर होते हैं उससे रिलेटेड। टोमोग्राफी में इक्विपमेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसीजर, वेनोग्राफी, मेमोग्राफी, बाकी सीएलोग्राफी, सीनोग्राफी, ये सब पूछे जा सकते हैं। रेडिएशन फिजिक्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, इसमें बेसिकली सेम है, और इसमें बेसिकली थोड़ा बहुत डिफरेंट है। रेडिएशन हज़ार्ड का जो भी अलारा है, TLD है, ये सब पूछे जा सकते हैं, और कोई भी हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ग्रिड प्रोटेक्शन वगैरह।
और बाकी जो डायग्नोसिस हैं, हेमरेज है, बाकी अलग चीज़ें हैं, वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन में आपका सीटी, प्रिंसिपल ऑफ सीटी, और आई हैव डिस्कस्ड दिस सीटी और एमआर से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। जो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ टॉपिक है, वो मैं कोशिश करूँगा कवर करने की, जो भी मेन मेन टॉपिक हैं। सो ये था हमारा सिलेबस ऑफ डार्क रूम असिस्टेंट। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।